जिला प्रशासन की ओर से आज महिला समानता दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण मार्च का आयोजन किया गया। इस मौके पर अजमेर संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा और अजमेर कलेक्टर अंशदीप के साथ ही अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इससे सशक्तिकरण मार्च में आंगनबाड़ी महिलाओं के साथ ही महिलाओं से जुड़े सामाजिक संगठन भी मौजूद रहे। महिलाओं के उत्थान और सशक्त बनाने को लेकर आम जनता को इस मौके पर जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि महिलाओं को उनका अधिकार मिल सके। अजमेर संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने बताया कि प्राचीन काल में महिलाओं को समानता का अधिकार था और वह सशक्त थी, लेकिन उसके बाद लगातार महिलाओं के अधिकारों का हनन हुआ और अब उनको अधिकार दिलाने के लिए लगातार योजनाएं बनाई जा रही है। वर्तमान में भी सरकार व अलग अलग सामाजिक संस्थाओं की ओर से महिलाओं को उनके अधिकार मिले इसे लेकर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं और इसीलिए यह महिला समानता दिवस मनाया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से आज महिला समानता दिवस मनाया जा रहा है और महिला समानता दिवस के अवसर पर ये रैली आयोजित की गई है। इसका उद्देश्य ये समाज में ये संदेश देना है कि महिला और पुरुष दोनों समान। जैसे कि हम इस तरह से जानते हैं कि प्राचीन काल में महिलाओं का पूरा समान था पुरुषों के बराबर था। मध्य काल में सारे संसार में अंधकार युग आया था, उसमें महिलाओं की स्थिति थोड़ी दयनीय हो गई थी। उसी क्रम में भारत में भी स्थिति थी। बाद में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने तो अनेक प्रयास हुए, धर्म सुधार आंदोलन हुए, पुनर्जागरण आंदोलन हुआ, समाज सुधार आंदोलन हुए, जैसे ज्योतिबा फुले रहने को उदाहरण अपन देखते भी है महिलाओं के समान के दिशा में आने। उसी क्रम में यह कानून भी बने और महिला आर्थिक को समानता के कानून भी बने हुए, लेकिन उसको वास्तव में लागू करने की दिशा में जो है महिलाओं में चेतना जागरूकता आवश्यक है। इसलिए राज्य सरकार ने महिला समानता दिवस मनाने का निर्णय लिया है। उसी क्रम में यह महिला समानता रैली का आयोजन किया गया है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि कानून की दृष्टि में महिला और पुरुष दोनों समान है, अधिकार हम दोनों को बराबर है और जहाँ कहीं कमी नजर आती है वहाँ हम लोग को चेत के कार्रवाई करना चाहिए और इनको खुद को सावचेत करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है।